आईफोन के दीवानों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। एप्पल अब की बार आईफोन 16 सीरीज में काफी बड़े चेंज करने वाला है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 सीरीज। आईफोन 16 सीरीज में आपको काफी बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। एप्पल ऐसा कई सालों के बाद करने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम डिजाइन की। आईफोन 16 सीरीज का डिजाइन आईफोन 12 से इंस्पायर्ड है। आईफोन 16 में आपको वर्टिकल कैमरा शेप देखने को मिलेगी। आईफोन 11 और 12 वालों खुश हो जाओ, क्योंकि थोड़े दिनों में आप भी आईफोन 16 वाली फीलिंग लेने वाले हो। और मेरी रिक्वेस्ट है आईफोन 13, 14 और 15 वालों से, आप डिसअपॉइंटेड मत होना, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज आने के बाद आईफोन 13, 14 और 15 आउटडेटेड लगने लगेंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एप्पल कई सालों के बाद डिजाइन चेंज करने जा रहा है, काफी बड़े चेंज होने जा रहे हैं, तो आपको भी खुश होना चाहिए। आईफोन 16 सीरीज में आपको केवल डिजाइन ही चेंज नहीं देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ काफी बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो नया है हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जैसे जैसे आईफोन 16 की और भी अपडेट आएंगी उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक से। बैक ग्लास जो कि सेम आईफोन 15 के जैसा रहने वाला है, कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला, लेकिन बेजल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। एजी जो कि थोड़े कर्वी देखने को मिलेंगे अब की बार। और एक और खास चीज मेरे को लगी कि फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कई सालों के बाद ऐसा करता आ रहा है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको भी पता है आईफोन की सेल्फी इतनी अच्छी नहीं आती, वो डिटेल्स नहीं मिल पाती जो कि हम चाहते हैं। लेकिन शायद 24 मेगापिक्सल्स का लेंस आने से और भी बड़े चेंज देखने को मिलेंगे कैमरे के अंदर। अब जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो आपको आईफोन 16 लेने पर मजबूर कर देंगे। यानी कि एप्पल पता नहीं यार क्यों कई सालों के बाद ऐसा कर रहा है। जैसे कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर कुछ चेंज देखने को मिले थोड़े थोड़े, फिर जो कि 15 सीरीज के अंदर टाइप सी देखने को मिला, डायनेमिक आइलैंड का फीचर देखने को मिला, तो इन्होंने 14 और 15 सीरीज में थोड़े थोड़े चेंज किए हैं, लेकिन 16 में एकदम से सब कुछ चेंज करने वाला है। और खास चीज ये है, कई सालों से एप्पल सेम डिजाइन लाता आ रहा था, यूजर्स जो कि बोर हो चुके थे बिल्कुल, उनको एप्पल में ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि एप्पल का फोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, केवल शो के लिए ले रहे थे। लेकिन अब की बार अमेजिंग चेंज देखने को मिलेंगे। डायनेमिक आइलैंड फीचर नेसेसरी फॉर ऑल मॉडल्स, एक्शन बटन नेसेसरी फॉर ऑल मॉडल्स। जी हाँ, एक्शन बटन जो होता है वो सभी मॉडल्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और नया कैमरा कैप्चर बटन देखने को मिलेगा, जिससे कि आप फोटोज और वीडियोज ले सकोगे, यानी कि डायरेक्ट आप क्लिक करके फोटोज ले सकोगे, यानी कि आपको फोन अनलॉक करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट उस बटन पे क्लिक किया कैमरा ओपन हो जाएगा, फोटो क्लिक करो, लॉन्ग प्रेस करके वीडियो बनाओ। कैमरा बम्प आपको ज्यादा बार नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि आईफोन 15 सीरीज में है, 14 सीरीज में है, 13 सीरीज में है, ऐसे आपको कैमरा बम्प बार नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में काफी बड़े चेंज देखने को मिलेंगे, जैसे कि आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो में 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि पहले 6.1 इंच की देखने को मिलती थी। वहीं आईफोन 16 प्लस और आईफोन 16 प्रो मैक्स में 6.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। काफी बड़े चेंज करने जा रहा है एप्पल, साथ ही साथ बेजल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे और डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त होने वाली है। माइक्रो लाइंस टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के अंदर यूज की जाएगी, ताकि आपके कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस और भी बेटर हो सके। नाउ टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। आईफोन 16 के प्रो मॉडल्स में आपको A18 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, वहीं बेस मॉडल में A17 प्रो बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि A18 बायोनिक चिप होगी जो काफी पावरफुल होगी। बहुत सारे रूमर्स हैं कि 2nm पर भी बेस्ड हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 3nm पर ही बेस्ड होगी। जैसा कि आपको पता कि S24 सीरीज में आपको AI फीचर्स देखने को मिले और एक्सपीरियंस बेटर रहा, ऐसे ही सेम एप्पल भी करने वाला है। आईफोन 16 सीरीज के अंदर AI फीचर्स लाने वाला है, लेकिन वो फीचर्स सेम सैमसंग वाले नहीं होंगे, जैसे कि S24 सीरीज में फीचर्स देखने को मिले थे उनसे कुछ अलग लाने वाला है, क्योंकि सेम लाएगा तो फिर पता है कॉपी हो जाएगी, वो तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर लेकर आएगा, कुछ वही फीचर्स होंगे AI के, इससे भी काफी बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। हीटिंग इश्यूज को रोकने के लिए बैटरी पर मेटल का केस देखने को मिलेगा, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इससे गेमिंग के टाइम पर हीटिंग कम देखने को मिलेगी। और खास चीज ये, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। आईफोन 16 सीरीज में एक नया थर्मल डिजाइन देखने को मिल सकता है। एप्पल वर्क कर रहा ग्राफेन थर्मल सिस्टम पर, जो कि आईफोन 16 सीरीज में देखने को मिलेगा। आईफोन 16 सीरीज के चारों ही मॉडल्स के अंदर 8GB रैम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वाईफाई का न्यू स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। अब तक वाईफाई 6 ही देखने को मिल रहा था, लेकिन आईफोन 16 सीरीज के अंदर वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। फास्टेस्ट स्पीड देखने को मिलेगी, कनेक्शन डिस्टेंस इंक्रीज होगी। आईफोन 16 सीरीज के अंदर बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको पता कि आईफोन 14 के मुकाबले आईफोन 15 सीरीज में भी बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज देखने को मिली थी, ऐसे ही आईफोन 15 सीरीज के कंपैरिजन में आईफोन 16 सीरीज में बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है एप्पल अपग्रेड की तरफ जा रहा है, वरना कई सालों में ऐसे चेंज नहीं किए थे। साथ ही साथ चांसेस है कि 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी और 20 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि आईफोन 16 सीरीज महंगी देखने को मिलेगी या फिर सस्ती, मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है। तो एक चीज क्लियर कर दूं मैं, आईफोन 16 के जो बेस मॉडल है वो
सेम होगी प्राइस रेंज जो आईफोन 15 के बेस मॉडल थे उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो प्रो मॉडल्स हैं वो 4-5 हजार रुपए महंगे देखने को मिल सकते हैं। अब एप्पल वालों ने इस पर सफाई दी है कि कुछ बड़े चेंज करने जा रहे हैं, जैसे कि सभी मॉडल्स के अंदर एक AI फीचर्स आएंगे सभी मॉडल्स में, जो डायनेमिक आइलैंड फीचर दे रहे हैं, एक्शन बटन दे रहे हैं, कैमरे के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें एप्पल वाले कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग प्राइस रेंज थोड़ी महंगी देखने को मिल सकती है, रूमर्स हैं, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स में प्राइस रेंज इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं रूमर्स की, जो कि अफवाहें फैल रही हैं कि आईफोन 16 सीरीज में ये फीचर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 120Hz रिफ्रेश रेट की, जो कि प्रो मॉडल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, बेस मॉडल्स के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगी। इसके लिए वेट करना होगा आपको आईफोन 17 सीरीज का। इसके बाद बात करते हैं 5000mAh बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, ये भी एक रूमर्स है। एक और सबसे बड़ी अफवाह है आईफोन 16 सीरीज में अल्ट्रा मॉडल देखने को मिलेगा, अल्ट्रा मॉडल नहीं आने वाला, ये सब रूमर्स हैं। जैसे कि पहले वाले मॉडल्स थे वैसे ही सेम मॉडल्स आने वाले हैं, लेकिन एक सीरीज आगे बढ़ जाएगी, मॉडल्स वही रहेंगे सभी। इन सभी रूमर्स से बचकर रहना जरूरी है। और एक और चीज जरूरी, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।